शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अच्छा सुनो ना, आप दोनों हमारे कमरे में सो जाइए और हम आपके कमरे में सो जाते हैं। नहीं पायल, ऐसी हालत में तुम भी वहां नहीं सो पाओगी, कितनी बदबू है अंदर। हमें जेल में और जेल से निकलने के बाद ऐसे बदबूदार जगह में रहने की आदत सी हो गई है श्रद्धा, तो हम रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पायल, मैंने कहा ना तुम वहां नहीं सोगी। अरे भाई तुम दोनों शांत हो जाओ, एक काम करो, तुम दोनों जाओ और हमारे कमरे में सो जाओ। हम आरती के कमरे में सो जाएंगे, वैसे भी इसके पापा तो हैं नहीं जी। और ये सब अब हम कल सुबह देखेंगे, ठीक है? जाओ अब। अरे पायल जाओ, सोने जाओ तुम लोग। अब जाओ और सो, खड़ी रहोगी क्या यहाँ? जाओ जाओ, चलो। पायल, अरे पायल कहाँ है? अपने कमरे में तो नहीं है वो? लो जी, सूरज उगा नहीं कि ये लड़की के नाटक शुरू हो गए। भाभी, पायल आपके कमरे में है। क्या? मैं रात को पानी पीने के लिए उठी थी तो मैंने उसको आपके कमरे में जाते हुए देखा था। पर क्यों? मैंने खुद ही वहां जाने के लिए उसे मना किया था। वो माफ कीजिएगा, हमने आप सबको बिना बताए एसी वाले को बुला लिया। मैम, आपके एसी के पाइप में दो मरे हुए चूहे मिले, शायद एसी की वजह से ये बदबू फैली थी, हमने साफ किया है, अब ठीक है। वो क्या है कि कल रात को कमरे में हमें बहुत जोरों की गर्मी लग रही थी, इसकी वजह से हमारा सर पकड़ लिया। ये बदबू कहाँ से आ रही है? आपके एसी के पाइप में दो मरे हुए चूहे मिले। ये तुमने किया ना कमरा लेने के लिए? अब तो सच बोल दो, तुम्हारे अलावा ये घर पे कोई नहीं कर सकता है, जबकि हमारी कल ही बात हुई थी कमरे और एसी को लेकर। सही कह रहे हैं अभय जी, वजह चाहे कुछ भी हो, शक तो हमेशा हम पर ही रहेगा ना, इसलिए यही वजह है कि हम इस घर में नहीं रहना चाहते। हम जा रहे हैं इस घर से। रुको पायल, अभय पायल बिल्कुल सही कह रही है, हम बेवजह इस तरह से पायल पर हर बार शक नहीं कर सकते। अरे ये कोई इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना। पायल, अब से तुम हमारे कमरे में रहोगी। नहीं श्रद्धा, मैंने कहा ना तुमसे पायल, ये मेरा आखिरी फैसला है। जा। मैंने कहा जाओ। श्रद्धा, तुम इत्तेफाक में विश्वास रखती होगी, मैं नहीं रखता, कुछ तो ठीक नहीं है। अभय, आप खामखा इतना सोच रहे हैं? श्रद्धा, क्या हुआ श्रद्धा? श्रद्धा, आओ मेरे साथ बैठो। जाओ जल्दी बैठ।
जल्दी लाओ। अभी मैं किसी भी बात का और का नाम नहीं ले सकती हूँ, चाहे वो किसी और का हो या पायल का। कि हम दोनों के आने वाले बच्चे के लिए ठीक नहीं है। पड़ी गया तुम्हें अश्रद्धा, हमारे इन छुट्टे आंसुओं का। इस कमरे को तो छीन ही लिया है, अब बारी है इस घर को छीनने की, फिर अभय जी को, और फिर बारी है तुम्हारे इस बच्चे की। वाली हो श्रद्धा, लेकिन इस घर का वारिस सिर्फ और सिर्फ हमारा बच्चा होगा। हाँ, हमारा बच्चा। श्रद्धा, मैं आगे से पूरा ध्यान रखूंगा तुम्हारे दोनों बच्चों की। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारा और हमारे दोनों बच्चों का पूरा ख्याल रखूंगा। ये वादा है मेरा। अब सिर्फ खुशी होगी हमारे इस घर में, तुम्हारे चेहरे पे, तुम्हारे मन में। हम सब मिलके तुम्हें, पायल को भी, हमारे दोनों बच्चों को, सबको बहुत खुश रखेंगे। हम सब साथ मिलकर ऐसे ही खुशी खुशी रहे, इससे और अच्छी बात और क्या हो सकती है। हमने इतने जतन से संभाल के अभय के कपड़े रखे थे उसके बच्चे के लिए, तब से इस दिन का इंतजार था हमें। क्या हुआ, सांप या चूहा देख लिया क्या? किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।